Hello, bachha party. Namaskar. Adab, sat sri akal, and kim chu. Welcome to SSP. Finest and the easiest way to learn the concept of the channel and the place where you can feel the physics and then you realize that you are an ash mohabbat with the subject. So, JE mains September ki jo exam chal rahi hai abhi. Wish you all the best. Jo bhi bachcho ka abhi exam hua nahi hai aur jin bachcho ka exam ho gaya hai, kya baat hai? Unke reactions hum logon ne dekhe. और बहुत सारे बच्चों का जो मन है खुश भी है, कुछ लोगों के मन में जो है एक प्रश्न भी उठा हुआ है कि सर एग्ज़ाम तो हो गए लेकिन एग्ज़ाम के अंदर ये डिफ़िकल्टी लेवल्स हमें आई. पहली बात तो तहे दिल से शुक्रिया फॉर द गवर्नमेंट जो कि सपोर्ट इतना अच्छा उन्होंने करा है जहां पर भी सेंटर थे, क्योंकि दिमाग में यही लोगों के चल रहा था कि सर एग्ज़ाम अगर होती भी है तो क्या हम वो COVID-19 यानी कि जो सिचुएशन है, कोविड का जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में, पैंडमिक सिचुएशन में भी इज़ इट पॉसिबल कि क्या कोई सैनिटाइजेशन प्रॉपर वगैरह होगा. तो जितना भी मैंने एनालिसिस करा है, जितना भी मैंने अभी तक देखा है, उन सभी जगह पर बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है. ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा प्रयास रहा, उसके लिए तहे दिल से गवर्नमेंट का शुक्रिया. बात करते हैं हम एनालिसिस के. अब तक जो भी पेपर हुए हैं, इंक्लूडिंग आज का भी पेपर, उसमें एक चीज़ सामने निकल के आ रही है, चाहे वो मैं बात करूँ डे वन की, चाहे डे टू की, चाहे आज के दिन की मैं बात करूँ, तो बच्चों से जो रिस्पॉन्स मिला है वो ये मिला है कि पेपर है तो ठीक ठीक, मॉडरेट आप कह सकते हो, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं तो बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है, और कैलकुलेशन वाली जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी ज़्यादा है. और लेकिन क्वेश्चन बन जरूर रहा है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बन रहा, क्वेश्चन बन जरूर रहा है. कुछ टॉपिक हैं ऐसे, कुछ चैप्टर मैं कहूँ तो ज़्यादा गलत नहीं होगा, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से क्वेश्चन बना है. और अगर आने वाले डेज में, जैसे कि कल की डेट है, इसके बाद की डेट है, 6 सितंबर तक की डेट है, लगभग 4-5-6-3 और पेपर होने वाले हैं जेई मेंस के, तो बच्चा फिजिक्स के मैं ये टॉपिक जरूर आपसे कहूंगा कि इसे करके जाना, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन बन रहा है वो इजिली बच्चे सॉल्व कर पा रहे हैं. जैसे मैंने अभी देखा कि सेमीकंडक्टर से एक ट्रुथ टेबल ड्रॉ करने वाला एक क्वेश्चन था, तो बहुत आसान था वो. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं बट मैं ज़्यादा फोकस उसी पर कर रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा समय आपका लेगा नहीं. अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े थे तो एक बार इसे देखेंगे भी ना बच्चा लोग, तो इजिली आपको समझ में भी आ जाएगा कि हाउ टू मेक अ ट्रुथ टेबल, राइट. एक तो चलो ये हो गया मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट. अभी तक मैंने नहीं देखा कि जो है मॉडर्न फिजिक्स में से क्वेश्चन अभी भी, चाहे आज की इस साल की हम बात करें, इवन जनवरी के अंदर भी जो एग्ज़ाम हुई थी, सेप्टेम्बर नहीं, जनवरी में भी जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें भी अगर मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा था तो वो इजी था. एक जेनर डायोड का क्वेश्चन था जो बच्चों को टफ लगा था. तो एनालिसिस में यही खास बात ध्यान रखना है आपको कि अगर फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा लेंदी होने वाला है, समय ले रहा है, उसे छोड़ देना, क्योंकि हैं थोड़े क्वेश्चन ऐसे हैं मॉडरेट भले मैं कह रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर फिर क्या होगा कि जो फॉर्मूले हैं ना, उस फॉर्मूले के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं, डायरेक्ट बच्चा उसको पकड़ नहीं पा रहा है. तो अगर आपको लग रहा है कि लेंदी लग रहा है तो उसे छोड़ करके अगले क्वेश्चन पर चले जाना, वरना क्या होगा कि आपने उसी में ज़्यादा समय ले लिया तो फिर बाकी के जो ईजी वाले प्रॉब्लम होंगे आप उसे अटेंड नहीं कर पाओगे. तो मॉडर्न फिजिक्स खास करके कर लो बच्चा लोग जो मुझे अभी सुन रहे हैं, 4-5-6 तारीख को जिनकी एग्ज़ाम होने वाली, मॉडर्न फिजिक्स अच्छे से कर लीजिए. अभी तक के जो भी पेपर हुए हैं फिजिक्स के खास करके, वो मॉडरेट हैं. डिफ़िकल्टी लेवल बहुत सारे लोगों का मानना है, मेरा मानना तो ये है कि मॉडरेट है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली आप नहीं कर सकते, तो ठीक है ना, तो उसके लिए तो हम ये कह दें कि अगर पेपर बहुत ईजी है तो भी गलत होगा, पेपर बहुत ज़्यादा टफ है तो भी गलत होगा. मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा. पेपर कोई क्वेश्चन आप देखिएगा, आप इसके डिस्क्रिप्शन में जरूर जाएं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, आप जरूर चेक करना. आपको क्वेश्चन देख करके फील आएगा कि हाँ सर ने जो कहा है कि ठीक है मॉडरेट है, हमसे क्वेश्चन बन रहा है. खास करके जो ऑब्वियसली है कि ऑब्वियस है बच्चा लोग कि 4-5-6 तारीख को जिनकी एग्ज़ाम होने वाली है वो ये जरूर देखेंगे, देख ही रहे होंगे कि अब तक का जो क्वेश्चन पेपर कैसा है. तो मॉडर्न फिजिक्स जरूर कर लो बच्चा लोग. साथ ही साथ में मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक 1-2 और करंट इलेक्ट्रिसिटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ जेई मेन एग्ज़ाम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 100% इस पे से क्वेश्चन बनेगा. कैपेसिटर का एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, स्टेडी स्टेट के अंदर बताइए कि इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा. बहुत शानदार प्रॉब्लम था वो, यानी जो बच्चा अगर किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक अच्छे से, उसमें हर क्लास के अंदर ये बताया ही जाता है कि कैपेसिटर का खास करके ये वाला प्रॉब्लम स्टडी स्टेट वाला जरूर करके जाएं, है ना. मैं आपको और भी कुछ बता देता हूँ, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 हो गया, 2 हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूड कर दो उसके अंदर, मॉडर्न फिजिक्स आप कर लीजिए, और क्लास 11 से मैं बात करूँ तो मेरे हिसाब से बच्चा आपको रोटेशनल मोशन करना चाहिए, क्योंकि डे 1 से डे 3 के जो भी एनालिसिस है उसके अंदर रोटेशनल मोशन के भी क्वेश्चन आए हैं.
थर्मोडायनेमिक्स भी आपको अच्छे से करके जाना चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स, रोटेशनल मोशन, फिर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी ले लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 और 2, और मॉडर्न फिजिक्स। इसके साथ एक और चीज़ इंक्लूड कर लो, SHM से एक सवाल बना था, टफ था, बट आप चाहें तो लास्ट में बिल्कुल आपको तो रिविजन अभी सभी करना ही पड़ेगा, एक बार सभी पर फॉर्मूला पर नज़र जरूर दौड़ाइए, बट इसको भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। साथ ही साथ बच्चा लोग, एक और चैप्टर रह गया है, दैट इज मैकेनिक्स, है ना, ये खास करके आपको करना है। ऑप्टिक्स एक पल के लिए अगर रह जाता है तो आप उसे साइड कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में ऑप्टिक्स के अंदर थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल्स लग रही है मुझे। बहुत सारे बच्चों के एनालिसिस भी मेरे पास आए हैं कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना है। तो आप जो है ऑप्टिक्स के अंदर अगर आपको तकलीफ आ रहा है, इनकेस अगर आपने करा है, ऐसा नहीं कि आपको छोड़ के चले जाना है, बट इनकेस आपने करा है और पेपर में जो क्वेश्चन बना आप उसमें फंस गए, तो प्लीज़ आप उसे छोड़ देना, उसे करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपका टाइम जाएगा और कुछ भी नहीं होने वाला, राइट। तो बच्चा मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 और 2, राइट, उसके बाद है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, कैपेसिटर वो भी इंक्लूड कर दीजिए साथ में, इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ आ गया, थर्मोडायनेमिक्स, रोटेशनल मोशन एंड मैकेनिक्स। जो बच्चा ये शिद्दत से करके जाएगा उसके डेट 4, 5, 6 को जो एग्जाम होने वाली है वो अच्छे से जाएंगी। 1, 2, 3 की एनालिसिस में बात करूँ तो मॉडरेट लेवल था, कुछ कुछ डिफिकल्टी लेवल्स ऐसी थी जहाँ पर फॉर्मूले पे फॉर्मूले थे, डायरेक्ट पकड़ में क्वेश्चन नहीं आएगा, बट अगर आप बहुत डेप्थ में आप सोच सकते हैं, इतना अगर आपके पास शक्ति है कि आपने इजी वाले क्वेश्चन को बहुत सेकंड के अंदर कुछ विद इन अ मिनट आपने सॉल्व कर दिया, तो आप इसको आसानी से सोच सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते, ठीक है। सो बाकी सही बच्चों के लिए मैं यही कहूँगा, विश यू ऑल द बेस्ट, डू वेल, भौकाल मचा दीजिए बच्चा लोग, और आप बिल्कुल भी कर सकते हैं, ये सोच करके जाइए। और अगर कोई भी तकलीफ आती है, मन में कुछ प्रश्न है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये कॉम्पिटिशन एग्जाम सिर्फ एक कॉम्पिटिशन एग्जाम है, सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्पिटिशन एग्जाम है। दिस कॉम्पिटिशन एग्जाम इज नॉट गोइंग टू डिसाइड योर फ्यूचर बच्चा लोग, ये आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा, ये कागज की रद्दी आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता है, मेरे शब्दों को याद रखिएगा। हाँ मैं मानता हूँ इसमें आपने बहुत समय दिया है, लेकिन आपका जो स्किल है, आपकी जो एबिलिटी है, वो ये पेपर डिसाइड करने वाला नहीं है। आज के 5 साल के बाद जब आप IIT से निकल करके कुछ अलग सोच रहे होंगे ना, तो आपको IIT की डिग्री की कोई वैल्यू जो है कोई भी करने वाला नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ। हाँ मैं ये बिल्कुल मानता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि IITian जो होते हैं वो फ्लॉप हैं, बाकी सब बहुत अच्छे हैं, नहीं। हर क्षेत्र के व्यक्ति अपने अपने फील्ड के अंदर माहिर होते हैं, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ बच्चा लोग, घबराने की जरूरत नहीं है यार, क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, सिलेक्शन नहीं होगा ना, अरे तो घबराने की क्या जरूरत है, बहुत सारी चीजें लाइफ में करने को है, बहुत मतलब बहुत सारी चीजें हैं। जरूरी नहीं है कि 12 साइंस के बाद तुमने IIT में ही जाना है, सिंपल सा एक एग्जांपल सोचो, एक एग्जांपल के तौर पे कि एक गवर्नमेंट एग्जाम की कोई भी तैयारी जो बच्चा करता है, अभी मेरे रिसेंट में मेरे एक दोस्त है, उनके जो है भाई सूरत से स्पेशली इलाहाबाद गए, प्रयागराज गए, 200 कैंडिडेट थे, कुछ ऑफिसर लेवल की एग्जाम थी, उसने सारे क्लियर किए, बस एक पिक्चर देख करके स्टोरी क्रिएट करना था, उसमें उसे फेल कर दिया गया। मैं कहता हूँ कि 200 बच्चों में से अगर सिर्फ स्टोरी लिखने के बेसिस पे आप किसी को जज कर रहे हो, और उसने इतनी ज़बरदस्त एग्ज़ाम की तैयारी करी, उसे क्वालिफाई किया, फिर कुछ फिटनेस टेस्ट था उसे क्वालिफाई करा, और आप उसमें अगर उसे निकाल रहे हो, तो एक क्राइटेरिया सेट होना चाहिए कि अगर बच्चा यहाँ तक ये कर लेता है तो उसका लेवल कुछ है। वो ऐसा नहीं है कि वो 200 की भीड़ में कमज़ोर है, नहीं, वो कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं है, उसके पास भी टैलेंट है ना। तो बच्चा जब आपको अगर ऐसा एहसास हो कि आपका पेपर अच्छा नहीं गया है, और आपको लग रहा है कि बस यही था, मैं ख़त्म कर दूंगा, ये कर दूंगा, तो प्लीज़ ऐसा मत करना, देर आर लॉट्स ऑफ थिंग अपार्ट फ्रॉम दिस लाइफ, सिर्फ IIT ही आपका जीवन है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये साइंस स्ट्रीम है बच्चा, इस साइंस स्ट्रीम ने आपको डेडिकेशन सिखाया होगा, इस साइंस स्ट्रीम ने आपको एक रूटीन सिखाया होगा, इस साइंस स्ट्रीम ने आपको पंक्चुअलिटी सिखाई होगी, इन्हीं सब चीज़ों की जरूरत होती है हमें लाइफ में आगे। और जिस बच्चे के पास ये है वो कुछ भी अपने जीवन में कर सकता है। मैं अपने शब्दों को यहीं पर रोकना चाहूँगा, विश यू ऑल द बेस्ट बच्चा लोग, घबराइए मत, 1st, 2nd, 3rd हो गया है, जिसकी भी एग्ज़ाम हो गया है, चिल मारो यार, भूल जाओ सबके बारे में, 4, 5, 6 वाले बच्चा लोग प्रिपरेशन करिए, जो टॉपिक मैंने आपको कहा है उसके साथ जरूर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद, जय भारत।